चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स की आधारशिला रखी, साथ ही गुरुग्राम को मेट्रो परियोजना का भी तोहफा दिया। पीएम मोदी ने इस एम्स के शिलान्यास के साथ ही कुल 9,750 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने नारा भी दिया कि अब की बार एनडीए 400 के पार। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए हरियाणा का विकसित होना जरूरी है। पीएम मोदी ने इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में जीत की ताल ठोंकी। उन्होंने कहा कि आज एम्स का शिलान्यास किया है, लोकार्पण भी हम ही करेंगे। कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। साथियों, कांग्रेस ने दशकों तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर रोड़े अटकाए थे। मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर रहूंगा। तो सरकार एम्स की सौगात दे रही है और रेवाड़ी में पीएम ने एम्स की आधारशिला रखी। इसके साथ ही मोदी सरकार ने हेल्थ इंफ्रा को बूस्ट करने के लिए कई